કોલેજમાં મહિલા ડોક્ટર સાથે બળાત્કાર ગુજારી કરાયેલી હત્યાને લઈ સુરતમાં બંગાળી સમાજ દ્વારા કાળી પટ્ટી બાંધી રેલી યોજી વિરોધ કરાયો હતો। કોલકાતાની આરજી મેડિકલ કોલેજની મહિલા રેસિડેન્ટ તબીબ સાથે બળાત્કાર અને હત્યાને લઈ સુરતમાં રહેતા બંગાળી સમાજમાં આક્રોશ જોવા મળ્યો હતો અને બંગાળી સમાજ દ્વારા હાથ પર કાળી પટ્ટી બાંધી પાલનપુર પાટિયાથી રેલી કાઢી વિરોધ નોંધાવ્યો હતો। મહિલાઓની સુરક્ષા આપો, આવા નરાધમને ફાંસીની સજા આપવામાં આવે એવી માંગ રહી હતી। સુરતમાં રહેતા બંગાળી સમાજના વિવિધ સામાજિક આગેવાનો, મોટી સંખ્યામાં મહિલાઓ આ રેલીમાં જોડાયા હતા। प्रशांता दासगुप्ता जी, सर आप किस तरह की ये रैली का आयोजन किया है? देखिए, ये जो मेनली वोमेन के ऊपर में इंडिया में, ऑल ओवर इंडिया जो वायलेंस हो रहा है, जो नाजायज काम हो रहा है, रिसेंटली कलकत्ता में आरजीकर कॉलेज में भी हुआ। नॉट ओनली आरजीकर कॉलेज, ऑल ओवर इंडिया ऐसा वुमेन के ऊपर में हेनस क्राइम हो रहा है। इसके प्रतिरोध में हम लोगों का ये मौन मिचिल है, जो कि हम लोग चाहता है समग्र प्रशासन और विचारालय से हम लोग का अनुरोध है कि इसका जल्द से जल्द सख्त कानून बना के जो दोषी है उनको सख्त से सख्त सजा मिले। बस ये हमारा कलकत्ता कल्चरल एसोसिएशन से एक मौन मिचिल है। ये कालीपत्ती है एज ए मार्क ऑफ प्रोटेस्ट। ये बहुत दुख का बात है, जो ये मार्क ऑफ प्रोटेस्ट है। ये हमारा हनी पार्क रोड का अंदर भी हमारा क्लब है। हम लोग यहाँ से जाएंगे महालक्ष्मी मंदिर, वहाँ से लेफ्ट टर्न लेके हम लोग जाएंगे आपको आनंद महल रोड, आनंद महल रोड से टेकरी वाला स्कूल होके हम लोग वापस आ जाएंगे यहाँ पे। ये तो मार्क ऑफ प्रोटेस्ट हम लोग निकल रहा है मौन मिचिल।